हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एटीएम कैसे काम करता है और एटीएम कार्ड्स स्कैमर क्या होते हैं। हमने एटीएम के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया कि एटीएम कैसे आया और उसके फाउंडर कौन थे। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, एटीएम एक ऐसी मशीन है जो आपको बेसिक बैंकिंग फंक्शंस की सुविधा प्रदान करती है ऑन द गो, और 24/7 मिलती है इसमें वो फंक्शंस। आप जो है कहीं भी कैसे भी इसमें पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, और कुछ केसों में तो आप जो है चेक डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश को डिपॉजिट कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। तो बात करते हैं एटीएम कैसे काम करता है। वैसे तो आप लोगों को यहाँ तक पता ही होगा कि एटीएम में हम अपना एटीएम कार्ड लगाते हैं, पिन डालते हैं और पैसे वगैरह की डिटेल्स डालते हैं, और वो पैसे हमें निकाल के दे देती है अगर हमारे सेविंग अकाउंट या किसी भी अकाउंट में पैसे हों तो। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि एक्चुअली इसके पीछे होता क्या है। जब हम कार्ड डालते हैं तो कैसे की डिटेल्स फैच होती हैं, कैसे डिटेल्स उसको पता होता है कि हमारे कौन से अकाउंट से कितने पैसे निकाले जाएंगे, और कैसे ये चीज़ें अपडेट होती हैं। आप लोगों ने एटीएम कार्ड तो सभी ने देखा ही होगा। अक्सर एटीएम कार्ड के पीछे काली पट्टी पाई जाती है। बहुत से लोग सोचते भी होंगे कि ये किस पर्पज़ से है, इसका क्या काम है, और एक्चुअली इसमें होता क्या है, तो आज हम बताते हैं। एक्चुअली वो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिसको कई छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया होता है, कई उसके छोटे छोटे पार्टीशंस होते हैं, और जिसमें हमारे अकाउंट की डिटेल्स 0-1 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती है। होता क्या है कि जब भी हम अपना एटीएम कार्ड मशीन में डालते हैं तो वो एटीएम मशीन उस मैग्नेटिक स्ट्रिप में से सारी हमारी डिटेल, हमारा अकाउंट नंबर क्या है, क्या बैलेंस है, क्या किस बैंक का अकाउंट है, वो सब चीज़ें फैच कर लेता है। जैसे ही हम अपना एटीएम कार्ड उस मशीन में डालते हैं, वो हमारी अकाउंट डिटेल्स को फैच कर लेता है। उसके बाद जो है आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज आता है कि आप अपना पिन एंटर करिए, जो कि आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जब हम वो पिन एंटर कर देते हैं, उसके बाद जो हमारे अकाउंट की डिटेल्स होती हैं वो सर्वर पर भेजी जाती हैं। अक्सर जो एटीएम मशीन होती हैं वो कई तरीके से कनेक्टेड हो सकती है। लीज्ड लाइन कनेक्शन हो सकता है, ब्रॉडबैंड से कनेक्ट हो सकती है, और डायल अप नेटवर्किंग से कनेक्ट हो सकती है। पिन डालने के बाद आपकी सारी डिटेल्स फैच होकर सर्वर पे जाती है, सर्वर से फिर उस बैंक में जाती हैं जिसका आपका अकाउंट होता है। फिर वो बैंक आपको ऑथेंटिकेट करता है कि ये हमारा जो क्लाइंट है वो इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए या फिर यहीं पे रोक देना चाहिए। अगर वो आपका पिन जो गलत होगा तो आपको एटीएम मशीन वहीं पे ब्लॉक कर देगी, आपका रास्ता बंद हो जाएगा, और अगर आपका पिन सही हुआ तो इस ट्रांजेक्शन को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जैसे ही आप एक बार ऑथेंटिकेट हो जाते हैं कि हाँ आप एक जेन्युइन क्लाइंट हैं बैंक के, देन आपके स्क्रीन पर बैंकिंग कई सारे बैंकिंग ऑप्शंस आ जाते हैं। कहीं किसी किसी कुछ केसों में कुछ बेसिक बैंकिंग ऑप्शंस आते हैं, कुछ केस में कुछ एडवांस ऑप्शंस भी आते हैं। वो स्क्रीन आपको, आपने देखा होगा कि कई सारी स्क्रीन तो टच स्क्रीन भी होती हैं, बटन्स भी होते हैं, हमें या तो टच स्क्रीन से या बटन दबा के उन बैंकिंग ऑप्शंस को चूज़ करना पड़ता है। जब आप उन सारे ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, देन वो एक्शन परफॉर्म हो जाता है। अब बात करते हैं एटीएम के अंदर क्या होता है। एटीएम के अंदर तरह तरह की ट्रेज होती हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट नोट्स सेट होते हैं पहले से ही। अब जैसे ही आप जो है विड्रॉ के ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग उसमें सिस्टम जो है उतने ही नोट्स को पुल करता है। हर एक एटीएम मशीन में, चाहे वो डिपॉजिट करने वाली हो या फिर कैश विड्रॉ करने वाली हो, एक स्कैनर होता है नोट्स को स्कैन करने के लिए, जो ये कंफर्म करता है कि आपने जितना अमाउंट डाला है विड्रॉ करने के लिए या फिर डिपॉजिट करने के लिए, उतना ही अमाउंट विड्रॉ हो या डिपॉजिट हो, ना तो उससे ज़्यादा हो ना कम हो। एक्चुअली स्कैनर करता क्या है, जो नोट्स होते हैं हमारे उनको स्कैन करता है, ताकि जिससे कंफर्म भी हो जाए कि नोट ओरिजिनल है। नोट ओरिजिनल होना चाहिए, और मेनली इसका क्राइटेरिया नोट के थिकनेस पर डिपेंड करता है। अगर आपका नोट ज़्यादा घिसा पिटा होता है, उसकी जाहिर सी बात है उसकी थिकनेस कम हो जाएगी, तो एटीएम मशीन उसको भी, नोट को भी कंसीडर नहीं करेगी, और उसको एक बार ही कंसीडर हो गया कि ये नोट सही नहीं है तो उसको रिजेक्ट बिन में भेज दिया जाता है। तो मेजर इसका क्राइटेरिया स्कैन करने का नोट्स का थिकनेस होता है उसका। अगर बाई चांस उसके थिकनेस ज़्यादा है तो हो सकता है वो एक कोई नकली नोट हो, या और भी कोई सारी दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर ज़्यादा पतला है नोट तो हो सकता है वो घिसा पिटा हो सकता है वो भी नकली हो। तो मेजर यही क्राइटेरिया होता है एक स्कैनर का, जो ये कंफर्म करता है कि नोट आपके एक्यूरेट होने चाहिए। ये तो बात करी हमने नोट विड्रॉ करने के लिए, हमने जो भी अमाउंट है उसको विड्रॉ करने में क्या होता है। अब बात करते हैं कि अगर हम कभी कुछ केसेस में जब पैसे डिपॉजिट करने होते हैं तब क्या होता है। तब क्या होता है कि हमें जो है उस अकाउंट की डिटेल डालनी होती है पहले तो स्क्रीन पे, आपको जिस अकाउंट में आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं। तो सबसे पहले एटीएम मशीन में जो स्कैनर लगा होता है, जैसे कि हमने पहले बात करी थी जिस स्कैनर की, वही स्कैनर होता है, वो नोट्स को स्कैन करता है ताकि वो जो कंफर्म करे कि नोट नकली ना हो। सबसे पहले स्कैन होने के बाद नोट जो है वापस जैसे ही
अपने अपने ट्रेज में सेट हो जाते हैं, जैसे कि विड्रॉ करने वाली मशीन में सेट होते हैं। कुछ केसेस में कुछ मशीन जो है डिपॉजिट कैश भी डिपॉजिट करती हैं, कुछ केसेस में चेक भी डिपॉजिट करती हैं। जब होता क्या है, जब हम किसी मशीन में चेक डिपॉजिट करते हैं तो हमारे चेक उसकी मशीन के डालने के बाद वो आपको एक चेक का प्रीव्यू स्क्रीन पर दिखाता है, तो वही कंफर्म करते हैं कि जो आपने चेक डाला क्या वही है, एक बार डिटेल कन्फर्म कर लीजिए। देन अगर आप जब उस पर कन्फर्म कर देते हैं हाँ ये वही चेक है जिसको आपको डिपॉजिट करना है, देन वो अपने बिन में चला जाता है। उसके बाद उसमें होता वही है मैनुअल काम, जैसे कि हम बैंक में जाते हैं चेक डिपॉजिट करते हैं, जो मैनुअल वर्क बैंक में होता है वही हमें एटीएम में डिपॉजिट चेक डिपॉजिट करने के बाद वही मैनुअल वर्क सेम ऐसा ही होता है। एक बार ही आपका ट्रांजैक्शन अगर कंप्लीट हो जाता है एटीएम मशीन के द्वारा, तो आपके बैंक अकाउंट को आपके अकाउंट का स्टेटस अपडेट कर दिया जाता है। वो एटीएम मशीन सर्वर के द्वारा आपके स्टेटस अकाउंट का अपडेट कर देती है कि इसमें इतना विड्रॉ हुआ है या डिपॉजिट हुआ है, देन आपको एक रसीद मिल जाती है। अब बात करते हैं एटीएम स्किमर्स क्या होते हैं। एक्चुअली इनका पूरा नाम एटीएम कार्ड स्किमर्स होता है। ये अक्सर यूज़ करे जाते हैं, कुछ चोर वगैरह यूज़ करते हैं आपकी डिटेल्स को चुराने के लिए या तो आपके साथ कुछ फ्रॉड करने के लिए। मेजर मेजर आपके कार्ड के साथ क्या क्या डिटेल्स होती हैं, दो ही मेन डिटेल्स होते हैं जिससे आपके कार्ड का मिसयूज़ किया जा सकता है। सबसे पहला तो जो मैग्नेटिक स्ट्रिप में आपके कार्ड के पीछे जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है उसमें जो अकाउंट की डिटेल्स स्टोर होती हैं, एक तो वो आपकी मेजर इन्फॉर्मेशन होती है, दूसरी इन्फॉर्मेशन होती है आपका पिन, आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर ये दोनों किसी के पास हैं तो आपका एटीएम कहीं भी किस तरीके से मिसयूज़ हो सकता है। एटीएम कार्ड स्कैमर्स कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जो आपकी इन दोनों टाइप की मेजर इन्फॉर्मेशन को चुरा सकती हैं और देन आपके कार्ड्स का मिसयूज़ कर सकती हैं, आपके सेविंग अकाउंट से या किसी भी टाइप के अकाउंट में से पैसा काट सकती हैं। तो ऐसा करते क्या है कि जहां आप कार्ड डालते हैं, जिस सॉकेट में कार्ड डालते हैं उस पर एक सेकंड लेयर चढ़ा दी जाती है, जो कि आपके अगर आप उसमें कार्ड डालेंगे तो आपके मैग्नेटिक स्ट्रिप में जितनी भी डिटेल सेव होती है वो लोग वो रीड कर लेते हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं हमारा पिन कैसे लेते हैं। तो जैसे कि कई केसेस में ऐसा पाया गया है कि जो आपका एटीएम मशीन का कीपैड होता है उसके ऊपर कोई स्पाई कैमरा लगा दिया जिससे आपने क्या पिन डाला वो रिकॉर्ड हो गया, या फिर किसी किसी केस में तो ये भी पाया गया है कि उन्होंने एक फेक कीपैड लगा दिया। तो फेक कीपैड लगाने से होता क्या है कि आप जितने भी नंबर अपने जो पिन उस पर एंटर करते हैं तो वो उनके पास रिकॉर्ड हो जाता है। तो इन मशीनों से क्या हुआ क्या कि आपके अकाउंट के डिटेल्स भी आ गए उनके पास, आपका एटीएम का पिन भी आ गया। देन बस फिर क्या था, फिर तो हो गया उनके मज़े, वो आपका एटीएम कहीं भी मिसयूज़ कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। इन चीज़ों से बचने के लिए आपको बस सावधान रहना पड़ेगा, जैसे कि आप पिन डालते समय अपने पिन को हाथ से छिपा लें और एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या कोई सेकंड लेयर तो नहीं चढ़ी है आपके जहां कार्ड इंसर्ट करते हैं वहां पे। अब बात करते हैं हम एक ऐसे अमेजिंग फैक्ट है, कह सकते हैं आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो इन चीज़ों में विश्वास कर लेते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही हैं और लोग इसे बहुत शेयर भी करते हैं, बट ये होता ऐसा कुछ भी नहीं है इस बारे में। तो ये एक मिथ है, जैसे कि आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा कि अगर आप अपने पिन को रिवर्स में डाल देंगे एटीएम में तो जो है वो पुलिस को कॉल कर देते, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक और मैं बात आपको बताना चाहूँगा एटीएम मशीन के बारे में, एटीएम मशीन को सिक्योर कैसे किया जाता है। जो एटीएम मशीन के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उन्होंने वो हमेशा अपनी मशीन में एक जीपीएस सिस्टम लगा कर रखते हैं जिससे ये पता चलता है कि हमारी एटीएम मशीन इस टाइम पे कहाँ है। तो जैसे कई केसेस में आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कुछ लोगों ने एटीएम को ले जाने की कोशिश करी, अपने साथ ले गए या खींच के ले गए, तो उन चीज़ों कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, आपको वो लोग पता लगा ही लेंगे जीपीएस से कि कहाँ पे है। और जो ट्रेज होते हैं जिनमें पैसे सेट होते हैं पहले से, इनमें उसमें एक टाइप की इंक होती है, तो अगर कोई इसे फोर्सफुली ओपन करना चाहता है तो वो इंक जो ब्लास्ट हो जाती है और इंक सारे नोट्स पर लग जाती है, तो आपका क्या हुआ, एंड में आपका सारा पैसा वेस्ट हो गया, आपके किसी काम का नहीं रहा। तो इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।